भाजपा जिला कार्यालय में बजट पर चर्चा कार्यक्रम व पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप में हरियाणा सरकार के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने शिरकत की। पत्रकार सम्मेलन के दौरान निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने केंद्र व प्रदेश के बजट पर प्रकाश डाला तथा सरकार नीतियों व योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में देश के कर्मचारी, मजदूर, किसान, गृहिणी, युवाओं सहित हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय उन्नति के लिए घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह केंद्र बजट आने वाले कई सालों के लिए देश के विकास की आधारशिला साबित होगा। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि इस बजट से हर वर्ग के सपने साकार होंगे। मध्यम वर्गीय एवं कर्मचारी वर्ग को सबसे बड़ी राहत इनकम लिमिट में बढ़ोतरी करने के फैसले में मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव कर सरकार ने देश भर को राहत प्रदान की है। गरीब परिवारों को साल भर मुफ्त अनाज की घोषणा से भी देश के गरीब वर्ग की आबादी को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय बजट ऐतिहासिक है। रेलवे के विस्तार के लिए लाखों करोड़ों रुपए के बजट के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों कॉलेज व स्कूलों की घोषणा से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास होगा। लोग जो आए उनको हमने लगाए, मतलब कि इस वक्त कैबिनेट के दो मिनिस्टर फायरिंग रेंज में आए जी, बबली जी ई-टेंडरिंग को लेके और आप प्रॉपर्टी आईडी को लेके जी, तो समस्याएं तो सर ज्यादा हो रही है। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो ये कहते थे, मेरी आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, वो कैबिनेट कॉम्प्लिकेशन इज नॉट सो गुड। यू सही बात है जी है? आप ये देखिए कि 2003-04 से 13 का आंकड़ा मेरे पास है, 24,000 डिमांड रजिस्टर्स में प्रॉपर्टी हुआ करती लिख लीजिए 24 लाख, ये एवरेज एक साल की बता रहा हूँ मैं, किसी में 25 किसी में 21 ऐसे करके 24 लाख में से 3 लाख लोग टैक्स देते हैं। ये 3,000 से 3 से और 13-14 तक का आंकड़ा बता रहा हूँ, और पर ईयर 75 करोड़ रुपए इकट्ठा होता था। फिर मैंने आंकड़ा और हमारा टैक्स एवरेज एक साल का आता था 425 करोड़। पहले 75 था एवरेज बताया मैंने उन 8-10 सालों का। तो इन पैसे का क्या किया आपने? आप मेरी बात को सुन लो भाई साहब, मेरे को आपने प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब तो दे दो ना। अब जो हमने प्रॉपर्टी आईडी किस लिए बनवाई कि एक एक जमीन इंच जमीन हम नाप लें, और जितनी अब प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई 42,75,000, और इसका हमने जो एक कैलकुलेशन की है तो ये मोर देन 1,000 करोड़ रुपया हम पर ईयर टैक्स कलेक्ट करेंगे। हमने एक एक जमीन को नापा है। अब इसमें जो हंगामा हुआ है उस हंगामे के कई कारण, नंबर एक तो जो कंपनी थी उसके, आपके पास ऐसा कोई सुझाव इन्होंने दिया नहीं, रियलिस्टिक बजट रियलिस्टिक होना चाहिए। सारी चीजें लोग लुभावन करेंगे तो फिर लोगों को, लोगों की सेवा कैसे करेंगे? जहां मतलब इन्होंने कुछ नहीं आपको सुझाव दिया, ऐसा कोई सुझाव नहीं। हरियाणा के बजट, हरियाणा के बजट के वैसे हाउस करोड़ का महकमा है, जो लोकल डिमांड थी वो रखी, हाउस करोड़ का महकमा है, सभी को इच्छा है वही करें इस टाइम ना जी। नहीं, प्रवीण जी ने रखी थी एक बात मुझे याद आई, इन्होंने एक तो पराली फतेहबाद में कोई पराली का इस तरह का उद्योग लगे जिससे पराली, ये विधानसभा में रखी थी मंत्री 5 साल पहले 2018 के बजट में सीएम साहब ने, उस टाइम जो अपने अभिमन्यु जी थे वित्त मंत्री, उन्होंने अनाउंस किया था जी कि हम जो है फतेहबाद में पराली आधारित जो है बिजली संयंत्र लगाएंगे। अच्छा, 5 साल में तो कागजों से बाहर निकला नहीं थी वो। नहीं, अब ये मेरे को, मैं ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल है सर, ये ऑफिशियल है, करने वाली बात है, देखने वाली बात है। एक सर अनुरोध, क्या वो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की थी, हमने उसको दोबारा एग्जामिन करवाया था, और क्योंकि वो लंबा समय हो गया था तो इसलिए हमने पेंडिंग इंक्वायरी उनको बाहर जी। अच्छा, इंक्वायरी एक सर वहाँ पे एडिशनल एमई का चार्ज दिया गया अभी पीपी चोपड़ा जी उनको, नगर पालिका नगर परिषद में सर, तो फतेहबाद, फतेहबाद में सर, फतेहबाद में सर, और उन पे पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं जब वो इमिग्रेशन में एसडीओ थे तब के, तो लगता नहीं सर कि वो चार्ज दिए देना वहाँ पे और करप्शन को बढ़ावा है। चार्ज देना या तो उनके खिलाफ चार्ज है और प्रूव हो गया है तो फिर हम उनको डिसमिस ही करेंगे ना, लेकिन जब तक वो हैं
तब तक उनसे काम तो लेंगे नहीं, वो रिटायर होने के बाद रिटायर हो गए हैं सर। उससे पहले वीआरएस ले ली थी एकदम, ऐसे किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं करता। हमने कुछ लोगों को जो रिटायर लोग हैं उनको लिया है, कुछ लोगों को एक्सटेंशन भी दी है। वो इसलिए दी है कि हमारे पास आदमी बहुत कम है,